ना मम्मी वो भी अपने ऐसे बटुआ है ना उसकी बटुए के अंदर रुमाल रुपए इलायची और लौंग रखती थी तो वो जो खुशबू है ना इलायची और लौंग का वो रुपयों में बस जाती थी तो जब मैं पॉकेट मनी मांगती थी ना कि आई मुझे एक रुपया दो ना तो वो निकाल करके एक रुपया मुझे देती थी तो वो रुपया जो है ना मैं कभी खर्च ही नहीं करती थी पूछे क्यों क्योंकि आई की खुशबू है ना उसमें मैं बस सारा दिन सुनती रहती थी कि वो आई को हम लोगों ने बहुत कम देखा आई एक्टिंग करती थी ना वो शूटिंग में रहती थी बहुत कम हम लोगों ने देखा जब भी आती थी वो हमारी होली दिवाली जो बोलो सब त्योहार उसी दिन मना लेते थे तो ये बात है बस अनाथ अच्छा बस साइली आज मैंने आपको पहना है आपको ना मैंने अपने सर पे बिठाया कैसे हे बग ओहो बग इतने का आपको पसंद है सायली यस मैं तो होते मला मैं आन ली तुमसे साथी ये ना ते ये ना जवड़ी ये लाजो नको अगे ये जवड़ी ये लाजो नको अगे ये जवड़ी ये लाजो नको हाय 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 क्या बात है यार तेरे खुश रहो बेटा ऐसे रहना माय गॉड अरे रे परत आते मेन चीज तो भूल गई देखिए आपको सब प्यार करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन मैं आपको सम्मानित करना चाहती हूँ हाय हाय या वाओ
और ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे बनी रहे। रड़ू नको बाबा कसला रड़क आनंद अश्रु थैंक यू। माँ का मन एक बड़ा समंदर सबकी भूल समाई अंदर। थैंक यू मैम। सब खुशियां मनाओ बस कोई रोएगा नहीं। कम ऑन गाइस जोरदार तालियां हो जाए। जीते रहिए जीते रहिए। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छा गाती हो और आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आप भी बहुत मस्त लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। ये रिवाज होता है जो एक दूसरे को। आपके घर से कोई है? मम्मी पापा है? मम्मी पापा आए हुए हैं। अरे नमस्कार सर कैसे हैं आप? देखो आपको देख के मैं चक्कर आ गया सर। इनके बाद आपको देखते हो तो हैंडसम लगता है कोई भी। तो सर मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। आपने इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? सर अभी बच्ची बड़ी हो जाती है। सर मैं अब मैम कह दीजिए सर। मुझे लगता है मैं आज ही तो शेव की थी कहीं मुझे या सर निकल आया। आपको देख के हंसी आती है? है मैं तो आज अपनी तरफ से बहुत सुंदर बन के आई फिर भी। सियाली आपसे पूछती हूँ आपको कैसा लड़का चाहिए? आदि जैसा, रोहन जैसा, हर्ष जैसा, हिमेश सर जैसा या फिर अपने जो हैंडसम बैठे हैं दूसरे विशाल सर जैसा? अब तक मैंने ऐसे मतलब लड़का के बारे में ऐसे वर्ड्स ऐसे सोचा नहीं है। देखो साइली तुम 24 इयर्स ओल्ड हो राइट? तो और कोई क्रश भी नहीं है? कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है 24 साल की लड़की का कोई क्रश ना हो? विक्की कौशल। विक्की कौशल। चलिए मैं आपका एक काम कर दूंगी। वो मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं। क्या मैसेज देना है आपने विक्की कौशल जी को? मुझे वो सुपर ज्यादा मतलब अलग लेवल पसंद है। तो मैं विक्की कौशल जी को आपका जरूर मैसेज दूंगी। ठीक है? तो विक्की कौशल जैसा लड़का मिले तो शादी करोगी? हाँ। और अगर आदि जैसा? मना। दाढ़ी चाहिए बस। आती है, आती है, आती। मेरे लड़के को दाढ़ी चाहिए। साइली एंड अंजलि, ऑल द बेस्ट। अहो काय गंजू शादी का लड्डू जो खाए पछताए सर। आपका नहीं शादी का लड्डू। नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवड ही ना चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग
वाह 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 एक तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है. आप दोनों ने कुछ अलग अलग बातें की जो अनयूजुअल है आपके वॉइस टेक्सचर के लिए. वेरी वेरी गुड. मतलब दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अनयूजुअल थी. मजा आया मेरे को बहुत. थैंक यू सर. मुझे ऐसा लगा कि ये वो परफॉर्मेंस है कि ये खत्म ही नहीं होना चाहिए. जब अंजलि ने अंतरे में कुछ सडनली कुछ तुमने एक ऐसी कारीगरी दिखाई जब मैंने और नेहू ने सीधा रिएक्ट किया कि ओ माय गॉड ये तुमने अंजलि ने हमारी अंजलि हमारी लेडी तानसेन अंजलि आउटस्टैंडिंग. अंजलि बताओ यार क्या किया तुमने वो. नवराई माची लारा ची लारा ची ग आवुरा हिला चंद्रा ची चंद्रा ची ग. ये लेडी तानसेन से सीधे क्लासिक जोन में भी छक्का. सुपर्ब आउटस्टैंडिंग फैंटेबुलस माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक. जय माता दी. लेट्स रॉक. थैंक यू. रोहू आप दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा गाया. थैंक यू. आपकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है. बहुत बोल्ड सुनाई देती है आपकी आवाज जो साइली. और आप बहुत छोटी सी उम्र लग रही है आपकी मुझे 15 साल की. और क्या कमाल गा रहे हैं आप. बहुत ही अमेजिंग आप गा रहे हैं. मेरी दुआएं आपके साथ हैं. ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. आप बहुत ही बड़े बहुत ही बड़े बहुत ही बड़े दोनों बहुत ही बड़े स्टार बन गए. सीने की हलचल बढ़ने लगी.
फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। वाह वाह, क्या बात है साइली और निहाल, मजा आ गया यार, बहुत अच्छे। मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी सुनते वक्त भी, क्योंकि जिस गाने से आपने शुरुआत की ए मेरे हमसफ़र, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला गाना था जो मैंने शूट किया। और 17 साल की थी मैं और माय फर्स्ट डे ऑफ शूट वाज दैट सॉन्ग फॉर बाजीगर, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जब मैं सेट पे गई, मुझे लिपसिंक कैसे करते हैं वो भी पता नहीं था, तो शाहरुख ने बताया मुझे कि ऐसे करते हैं। एंड आई रिमेम्बर वो जो बिट था ना, ओए 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 ओए, वो मैं लिपसिंक कर ही नहीं पा रही थी मुश्किल था मेरे लिए, ओए ओए ओए, तो आई वाज लिपसिंक इट वेरी बैडली। तो उन्होंने बोला इतने मुंह मत बनाओ, सो डोंट हैव टू सिंग इट, तो ऐसे ऐसे करके गाओ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल किया नहीं जाता, हो जाता है।
दादा ये वाली की दिन की आवाज दो हमको हम खो गए कब नींद से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम नगर दूर तुमसे हो गए आवाज दो हमको हम खो गए से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए आवाज तो हमको हम खो गए तुमसे निगाहें चार हम जिंदगी से प्यार करने लगे तुमसे निगाहें चार करने लगे हम जिंदगी से प्यार करने लगे डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे आवाज तो हम खो गए कब नींद से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए आवाज तो हमको हम खो गए फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.